सो गाइज, अगर आप मेरी वीडियोस को काफी पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या होता है जब हम एलपीजी को कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर मिक्स करते हैं। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हम सिंपली एक गैस कैन लेते थे, फिर उसे इस तरीके से उल्टा पकड़ते थे और फिर जैसे ही हम उसके नोजल को इस तरीके से प्रेस करते थे, इसमें से हमें मिल जाती थी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी लिक्विड फॉर्म में। फिर हम उस लिक्विड गैस को कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर डालते थे और फिर जैसे ही हम उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को इस तरीके से अपसाइड डाउन फ्लिप करते थे, उसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता था कि वो एक रॉकेट की तरह ब्लास्ट ऑफ हो जाती थी। लेकिन गाइज, इस ट्रिक को मैंने आज तक सिर्फ छोटी बोतल्स के साथ ट्राई किया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी सेम ट्रिक को 1 लीटर की बड़ी बोतल के साथ ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि ये ट्रिक काम करती है या फिर नहीं। आई होप इसमें काफी मजा आएगा। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास है यहाँ पर एलपीजी और 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो आइडिया काफी सिंपल है। सबसे पहले हम एलपीजी को इस बोतल के अंदर निकाल लेंगे ताकि इसे इसमें डालने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम एलपीजी को इस बोतल के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हवा बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है। ऑलराइट गाइस, इसमें हमारे पास है लिक्विड एलपीजी और ये बहुत ही ज्यादा ठंडी है। मन कर रहा है इसे पी जाऊं लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। ऑलराइट, तो अब हम इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को थोड़ा सा खाली करते हैं। बस इतना काफी है। तो चलिए अब इसमें डालते हैं एलपीजी। ऑलराइट, कोल्ड ड्रिंक बोतल रॉकेट फायर इन 3, 2। ऑसम, लेकिन ये ऊपर जाने की बजाय उधर चली गई। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये ट्रिक अच्छे से काम करती है। मैंने दोनों बोटल्स को यहाँ से उड़ाया था और वो दोनों बोटल्स ठेट वहाँ पे जाके गिरी है। पहली वाली बोटल आप उस आखिरी पेड़ के पास में देख सकते हो और दूसरी उधर की साइड में। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि हमारी बोतल कितनी दूर तक उड़ी। इस ट्रिक की सबसे बुरी बात बस यही है कि इससे सारी कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से आपका शरीर चिपचिपा हो जाता है। तो अगर आप भी इस ट्रिक को कभी करें तो इसके लिए आपको नहाना जरूर पड़ेगा। सो गाइस, पहली वाली बोतल शायद आप देख पा रहे हो, वो रही। चलिए पास चलते हैं। ओह माय गॉड, देखिए इस बोतल को। ये शायद किसी चीज से टकराई थी और ये पूरी तरीके से क्रश हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी हथौड़े से मारा गया हो। तो इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है और इसकी पावर कितनी होती है। और आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे उड़ाते समय अगर ये आपके मुंह को लग जाए तो आपका मुंह ही तोड़ सकती है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने
इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ठेठ वहां से उड़ाया था और ये यहां तक उड़ी है। तो गाइज है ना कमाल की चीज। ओके गाइज, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि मेरे पास दो ही बोतल थी और दोनों को मैं उड़ा चुका हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।